प्रवाह प्लास्टिक चैप्टर नंबर प्लास्टिक संस्कृत चैप्टर नंबर सेकंड शब्द ज्ञान। पिछले चैप्टर में आपने वर्ण विचार को समझा पढ़ा सीखा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई जिसके कि टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद पहले वर्ण बना, वर्ण से आपने क्या बनाया वर्णमाला। पहले अ आ ई ये सब आपके क्या थे वर्ण थे। अब वर्ण के बाद आपने वर्णों के व्यवस्थित समूह को उन वर्णों को उठा उठा करके आपने क्या किया उनका व्यवस्थित समूह बना लिया, एक क्रम से उन्हें लगा दिया। तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला आपने सीखा कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के संयोग से आपने एक वर्ण और दो वर्ण तीन वर्णों को मिला करके जो शब्द तैयार किया उसको आपने क्या बनाया शब्द बनाया। वर्ण संयोग को आपने शब्द के रूप में सीखा, जैसे कि ल प्लस ई प्लस ख प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस म। इन वर्णों को आपने मिला दिया, इन वर्णों को मिला करके एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को आपने शब्द बना दिया। ये शब्द आपका क्या बन गया लेखितम। अब दो वर्णों के मेल से कैसे आपका शब्द बना अ प्लस जा अजा अजा मीन्स बकरी। तो इस तरह से आपने शब्द बनाना सीखा एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को आपने शब्द बनाया, वर्णों के मेल से आपने शब्द बनाना सीखा। जैसे म प्लस ए प्लस ल प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस म, तो ये आपका क्या हो गया मेल न। का प्लस ल प्लस म, तो ये तीन वर्ण आपने उठा करके रख लिए, इन वर्णों को आपने मेल कर दिया तो ये क्या बन गया का ल म। का प्लस ल प्लस म तो का ल म, ये आपका शब्द बना। अब शब्दों के बारे में आपको क्या मिलता है चैप्टर के आधार पर शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान में आपने क्या सीखा है कि शब्द किससे बनते हैं, तो वर्णों के संयोग से आपने क्या बनाया शब्द बनाया। अब हम बिना शब्दों के कोई बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमें भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है कि हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में हम और एक कितने प्रकार के लिंग होते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में आपके दो लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। परंतु संस्कृत भाषा में तीन लिंग माने जाते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, जिसके आधार पर हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। अब आता है पुल्लिंग, पुल्लिंग में कौन सा शब्द रहा आपका बालका, बालका पुल्लिंग रहा, रथ पुल्लिंग है, गज पुल्लिंग है। ये अकारांत वाले जितने भी शब्द होते हैं जिनके बोलने में हमें अंत में अ ध्वनि सुनाई देती है वे शब्द हमारे कौन से होते हैं अकारांत होते हैं, तो अकारांत वाले हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब अकारांत वाले शब्द कौन से होते हैं स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में कौन से आए बाला, जो आपने चीख करके बोला बाला अजा, ये आपके कौन से हुए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपके स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग में आपको जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पुल्लिंग। जितने पुल्लिंग शब्द होते हैं वो पुरुष जाति में होते हैं। स्त्रीलिंग में क्या आता है जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब नपुंसक लिंग आता है। अब बाला, बाला शब्द क्या है लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, बालिका लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द हमारे कौन से हुए स्त्रीलिंग। अजा मीन्स बकरी, बकरी हमारी कौन सी होती है स्त्री जाति की होती है, तो इसलिए अजा शब्द हमारा स्त्रीलिंग का हुआ, अजा शब्द हमारा स्त्री जाति का हुआ। कोकिला शब्द है, कोकिला भी हमारा स्त्री जाति का शब्द है। शिक्षिका ये शब्द हमारा किसका है स्त्री जाति का शब्द है। अब इस तरह से आप तीसरा है नपुंसक, नपुंसक लिंग का अर्थ होता है जो कि जिन शब्दों में कोई भी वे शब्द जो हमें
बेजान माने जाते हैं, जिनमें कि हमारी जान नहीं होती है। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे हमारे हो गए स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें बेजान चीजों का बोध होता है, जैसे कि आपकी कुर्सी है, पंखा है, डस्टर है, ये सब क्या है, आपकी बेजान चीजें हैं। इनसे आपको वो जो बोध कराते हैं, बेजान चीजों का जो हम बोध करते हैं, वे हमारी क्या कहलाती है, नपुंसक लिंग कहलाती है। जैसे कमलम, पत्रम, पुस्तकम, ये जानदार नहीं है, ये बेजान चीजें हैं, इसलिए इन्हें हम किसमें ले जाती है, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ कि जो हमारी जानदार चीजें नहीं है, बेजान चीजें हैं, वो संस्कृत के आधार पर उन्हें हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो आपने सीखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। अब इसके बाद आता है आपका इसी प्रकार से संस्कृत में वचन। वचन कितने हुए, लिंग आपने सीखे कि लिंग तीन प्रकार के हुए, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब आता है हमारा वचन। वचन में क्या है, वचन हमारे हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह से संस्कृत में भी वचन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे कि आपने सीखा बालका, एक बालक, बालकाऊ, दो बालक, बालका, बहुत से बालक। एक वचन में एक बालक, दो वचन में दो बालक, बालकाऊ, दो बालक, बहुवचन में बालका, बहुत से बालक। जिस शब्द रूप से हम एक संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा एक वचन कहलाता है। जिस शब्द रूप से हम दो संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे दो वचन कहलाते हैं। जिस शब्द रूप से हम बहुत सी संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे हमारे बहुवचन कहलाते हैं। इस प्रकार के हुए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन संस्कृत के आधार पर कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार के हुए। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे बालक और बालिका और बालिकाएं, बालिका एक बालक और बालिकाएं दो बालिका, बहुत सी बालिकाएं। अब इसमें बालिका एक वचन में एक बालक, बालिका दो बालक, बालिका बहुत से बालक। इस तरह से एक वचन में आपने सीखा एक संख्या का ज्ञान, एक वचन में हमें एक संख्या का ज्ञान होता है, द्विवचन में दो संख्याओं का ज्ञान होता है। इस सब रूप से हमें एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी कौन सी कहलाती है, बहुवचन कहलाती है। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले एक वचन, दो संख्याओं का ज्ञान कराने वाले द्विवचन, बहुत सी संख्याओं का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। इसके बाद आपका चलता है कि किसी भी भारतीय प्रादेशिक भाषा जैसे मराठी है, गुजराती है, बंगला है, कन्नड़ है आदि को जो भी छात्र संस्कृत को आसानी से सीख सकते हैं और संस्कृत से विकसित हुए हैं तो उनसे हमें अब इसके बाद चलता है वचन के बाद अब आप चलते हैं अकारांत। तो ये किस तरह के होते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द ये होते हैं अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। ध्वनि से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। अकारांत में जैसे कि एक वचन में आपका अकारांत क्या हो, चिकित्सक हो, चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। तो एक वचन में इसका हो गया एक डॉक्टर। नरा शब्द है जैसे इसमें आया, नरा में आए तो नरा एक मनुष्य। द्विवचन में चिकित्सक हो दो चिकित्सक, दो डॉक्टर, नरऊ दो मनुष्य। बहुवचन में चिकित्सिका बहुत से डॉक्टर, नरा बहुत से मनुष्य। इस तरह से आपके अकारांत शब्द ये को पुल्लिंग के कहलाए। अब पुल्लिंग के बाद कुछ अकारांत शब्द कैसे होते हैं, इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी होते हैं। नपुंसक लिंग में कैसे होते हैं, जैसे कि आपका आ गया फलम। फलम क्या है नपुंसक लिंग में, ये आपका फलम पुल्लिंग है। फलम, फले, फलानी,
ये आपके पुल्लिंग में भी नपुंसकलिंग के कुछ शब्द होते हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, ये शब्द आपके कौन से हुए? पुल्लिंग नपुंसकलिंग के हुए। अब इसी को जाता है अकारांत, आकारांत स्त्री, आकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है? आधुनिक का अंत होता है, जिसमें आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। आधुनिक से जिसका अंत होता है, आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। जैसे छात्रा, छात्रे, छात्रा, छात्रा इसमें आया अंत में, छात्रा, शिक्षिका इसमें अंत में आ आता है। तो इसके अंत होने वाले आधुनिक से अंत में आने पर उसको हम क्या कहेंगे? आकारांत। आ के अंत वाले शब्द आपके आकारांत कहलाते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। तो छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्रा अनेक छात्राएं। इसके बाद आपका आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या लगता है आपका? आपने पुल्लिंग सीखा, स्त्रीलिंग सीखा, अब आपका आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द आपने सीखे, वो आपके स्त्रीलिंग कहलाए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाए। अब आता है जिसमें कि हमें वेजांत चिन्हों का ज्ञान प्राप्त होता है, वे हमारी स्त्री जाति की भी हो सकती है और पुरुष जाति की भी हो सकती है, लेकिन वो चीजें कैसी होती है? वेजांत होती है। तो वेजांत चीजें कितनी भी होती है, वे हमारी नपुंसक लिंग में कहलाती है। तो इनके भी वचन वही हुए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुस्तकम, पुस्तक। अब इसके बाद चलता है आपका, आपने सीखा अकारांत, आकारांत। अब इसके बाद आपका आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बाद नपुंसक। नपुंसक लिंग जो बेजान चीजें होती है, बेजान चीजों में जैसे कि पुल्लिंग भी होते हैं। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सी पुस्तकें। चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्राणी बहुत से पहिए। ये आपके कैसे है शब्द? बेजान है। इसमें भी स्त्रीलिंग कुछ होते हैं और कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे कि आपकी लता है, लता शब्द स्त्रीलिंग का है वैसे, लेकिन ये क्या है? बेजान में है। निशा है, निशा शब्द आका आपके पास जो है आकारांत में आते हैं, जितने भी ये स्त्रीलिंग में नहीं होते, लेकिन ये निशा मानी रात्रि। वसुधा ये क्या है? पृथ्वी है। ये सब किस में डालेंगे आप? अभी इन्हें नपुंसक लिंग में डालेंगे। वनम है, पुष्पम है, उद्यानम, भोजनम, ये सब आपके नपुंसक लिंग के ही शब्द कहलाएंगे। भोजनम, वस्त्रम, ये सब आपके नपुंसक लिंग में कहलाएंगे। कुर्सी है, मेज है, ये सब आपके नपुंसक लिंग में कहलाएंगे। अब पुस्तक क्या हो गया? पुल्लिंग नपुंसक लिंग। पुस्तिका क्या हो गया? स्त्री नपुंसक, स्त्री जाति का है लेकिन ये नपुंसक लिंग है। आप देख रहे हैं जैसे कि धरा, पृथ्वी, शिखा, चोटी, भारिया, पत्नी, ये सब आपके इसी लिंग के शब्द हैं। नपुंसक लिंग में आपका फलम, फले, फलानी, फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत से फल, लेकिन ये है कैसे? ये पुरुष जाति के होते हुए ये नपुंसक लिंग में है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत से पत्ते, ये सब आपके कैसे है? नपुंसक लिंग में कहलाएंगे। जलपोत ये आपका नपुंसक लिंग का है। वायुयानम ये आपके नपुंसक लिंग के हैं, हवाई जहाज। आभूषण गहना ये आपके नपुंसक लिंग के शब्द हैं। भोजनम ये आपका नपुंसक लिंग का शब्द है। कंदुकम गहन, वसु यानम वसु, संगणकम कंप्यूटर, ये आपकी क्या है? सभी ये शब्द आपके कैसे कहलाएंगे? नपुंसक लिंग के कहलाएंगे। चक्रम फेनकम व्यंजनम, वस्त्रम पहिया है, हवा करने वाला पंखा है, वस्त्र है, मानचित्र है। क्षेत्रम खेत है, फल है, घर है, ग्राम घर है। औषधम दवाई, दवाई है। मित्र मित्रम ये शब्द भी एक बड़ा। मुखम मुख, तृणम तिनका,
वनम वन आम्रम आम्र ये सब मानचित्र नक्शा मित्रम दोस्त अन्नम अनाज औषधम दवा उद्यानम बगीचा जलम पानी क्षेत्रम खेत द्वारम दरवाजा नवनीतम मक्खन भवनम भवन दाढ़िम दाढ़िम अनाज हेमम वर्ग ये सब आपके क्या दिखाई गई है अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द कहलाए। शब्द ज्ञान चैप्टर नंबर 2 शब्द ज्ञान में आपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सभी जानकारियां वचन एक वचन दो वचन बहुवचन आदि जानकारियां प्राप्त की। अकारांत में आ ध्वनि से अंत होने वाले शब्द आपने सीखे, अकारांत अ से अंत होने वाले शब्द सीखे आपने, अकारांत अब नपुंसक लिंग के जान चीजों को आपने सीखा। नपुंसक लिंग में जैसे पत्र पत्रे पत्राणी इस तरह से आपने शब्द ज्ञान प्राप्त किया। अब आपका ये पाठ का अंत होता है।